नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में। जी हाँ, योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं जब हम ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं तो राजनीति से उन्हें जोड़ना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, तमाम राजनीतिक गढ़ों में उनका एक तरह से उनका जो दबदबा है वो बना हुआ है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर की आप देखें तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर का इतना बुरा हाल देखा गया है कि कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो योगी सरकार में मंत्री पद पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का दबदबा है। उत्तर प्रदेश में जब हम सीएम योगी की बात करते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और योगी आदित्यनाथ के एक तरह से कहें तो उनके फेवर में जनता जो है वो कहीं ना कहीं उनको एक मुख्य चेहरे के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्य चेहरे के रूप में हमेशा से देखती आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास करने में सीएम योगी का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार में जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी थोड़ी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं और उसका कारण है ये वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में आप खास तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का इतना बुरा हाल हो रखा है कि वो अपने बेटे के लिए वोट मांगने गए थे और अपने बेटे के लिए वोट मांगते हुए उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि 10 से 20 लोग भी उनकी जनसभा में मौजूद नहीं थे। अब सोचिए, कोई पिता अपने पुत्र के लिए एक जगह पर, एक क्षेत्र पर जनसभा करने जा रहा है और 10 से 20 लोग भी उस जगह पर मौजूद नहीं है। कारण, क्योंकि मतदाताओं को इस बात की नाराजगी है कि आखिर आपने और आपके बेटे ने इस क्षेत्र के लिए किया क्या है। सीधे सीधे आपको बताएं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मतदाता कह रहा है, तुम्हें वोट नहीं देंगे, खेत बेचकर लड़का पढ़वाए हो, आज बिना नौकरी के घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब आप इस बयान पर? जिस तरह से आप देखें मतदाताओं के अंदर इतना आक्रोश है और जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर पर कहीं ना कहीं एक तरह से गुस्सा फूट कर उनका दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे का नाम अरविंद राजभर है और वो घोसी की लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश में वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं आप देखें तो उनका पहला चुनाव है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर इस बार चुनावी मैदान में है और अपने बेटे के लिए चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे दिग्गज मंत्री का जिस प्रकार से कहां से कहें तो उनका अपमान किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ही मौजूदा जनता यानी घोसी के मौजूदा जनता कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के और उनके बेटे का कोई भी काम, अरविंद राजभर का कोई भी काम देखने को तैयार नहीं है, उनके चुनावी वादे सुनने को तैयार नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में जो ओम प्रकाश राजभर के साथ और जिस प्रकार से उनकी जनसभा में 10 से 20 मंत्री हैं, क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाएगी? और अगर इसका फायदा कहीं ना कहीं घोसी से कांग्रेस उठाती है या समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश करती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर की जो पारंपरिक सीट है, क्या वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे और अपने बेटे को, जो बेटा उनका पहली बार राजनीति में, जिस बेटे ने कदम रखा है, क्या उस बेटे का कदम रखने से पहले ही उसके कदम, उसके पांव खींच लिए जाएंगे? अब आप पहले तो ये वीडियो पूरी देख लीजिए कि आखिर किस तरह से उनको अपमान का सामना करना पड़ा। तो साथी, हमारा मकसद कहने का ये है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी, तो छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, दिक्कत है? कितने लोग अच्छा छड़ी है, दिक्कत ना? हाँ सही है, मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो दिक्कत है साथियों, देखिए स्वाभाविक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात कही है, जो पावर दिया है, इसी पावर से, इसी वोट से आप अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए इलाज, रोजगार, विधायक, आप बेहतर पा सकते हैं, बटन दबा करके डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी मतों से विजय कराने की अपील करते हुए हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत। क्या समस्या है बताइए? बहुत ज्यादा समस्या है,
जैसे कि कुछ नहीं, ये बताइए कितने लड़के पढ़ के रोड पर घूम रहे हैं? आपको समस्या क्या है? बहुत ज्यादा है, हम लोग लड़का पढ़ाए, खेत बेच के पढ़ाए हैं। हमारे बीच में बताइए समस्या, बताए तो बताए। हमारे गुरु, आपको समस्या बीजेपी से कि ओम प्रकाश राजभर से? कुछ नहीं, हम लोग बीजेपी ओम प्रकाश सबसे समस्या है, इसलिए हमारे सबको लड़का रोड पर भीख मांग के फांसी लग रही, इलाहाबाद में रोज ऐसी फांसी लगा के मरते हैं, खेत बेच बेच के आदमी पढ़ाते हैं। फांसी लगा रहे हैं भाई, इलाहाबाद में डेली फैसले का फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं। मऊ सदर मऊ से आप वोटर कहाँ के हैं? मऊ सदर की वोटर, यही सदर का विधायक। अच्छा, आपके नजर में यहाँ पे कैंडिडेट जो है कौन सा प्रत्याशी जीतने की उम्मीद है? किसकी? सपा की। अच्छा, आप राजभर हैं? चौहान है। ठीक। तो देखा आपने कि इस वीडियो में आखिर ओम प्रकाश राजभर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा के संबोधन के दौरान कैसे लोग उठकर जा रहे हैं, कैसे 10 से 20 मात्र लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी जनसभा को सुन रहे हैं, और ये जो जिस मतदाता को आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इतना आक्रोश में है कि कहीं से कहीं तक भी ना तो उनका काम सुनना चाह रहा है और ना ही तो उनके चुनावी वादे सुनना चाह रहा है। अब इस पूरी वीडियो पर और इस पूरी घटना पर अब आप क्या कहेंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि अब आपको क्या लगता है, क्या घोसी से इस बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी बाजी मार पाएंगे, या फिर इस बार विपक्षी दल घोसी से जीत फतह करेगा? फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।